कुरुक्षेत्र में अब आमजन किसी भी प्रकार की दुर्घटना में किसी भी अनजान व्यक्ति की सहायता कर सकेंगे। इस जिले में दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने के लिए प्रशासन ने हेल्प द नीडी मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप पर प्रथम चरण में 12 तरह की घटना दुर्घटना में सहायता की जा सकेगी। अहम पहलू ये है कि आगामी एक सप्ताह में ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगी। इस मोबाइल ऐप को NIC अधिकारी विनोद सिंगला और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया है। खास बात यह है कि 2 माह पहले NIC अधिकारियों के साथ चर्चा करके समाज सेवा करने के उद्देश्य से मोबाइल ऐप बनाने के निर्देश दिए थे। उपायुक्त मुकुल कुमार ने लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए हेल्प द नीडी मोबाइल ऐप को विधिवत रूप से लॉन्च किया है। इससे पहले NIC अधिकारी विनोद सिंगला ने हेल्प द नीडी मोबाइल ऐप के बारे में उपायुक्त के साथ साथ तमाम अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार इस ऐप के जरिए किसी अनजान व्यक्ति, घायल जानवर और पक्षी की सहायता की जा सकती है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि NIC अधिकारी विनोद सिंगला व उनकी टीम ने लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से हेल्प द नीडी मोबाइल ऐप को तैयार करके एक सराहनीय कार्य किया है। इस मोबाइल ऐप से कोई भी व्यक्ति सहजता से किसी भी घायल व्यक्ति की सहायता करने में सक्षम होगा। इस मोबाइल ऐप को नवीनतम तकनीकी को जहन में रखकर तैयार किया गया है और इस मोबाइल ऐप को एंड्रॉयड व iOS मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकेगा। NIC अधिकारी विनोद सिंगला ने कहा कि हेल्प द नीडी मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद कुरुक्षेत्र भी देश के उन NIC में शामिल हो जाएगा जो चैलेंज ऑफ मोबाइल ऐप के लिए एंट्री भेजेंगे। इस मोबाइल ऐप में मानव, जानवरों और पक्षियों को 12 तरह की सहायता पहुंचाई जा सकेगी, जिसमें जानवरों व पक्षियों के घायल होने, मृत्यु होने, बच्चों के गुम होने, बाल मजदूरी व बच्चों द्वारा भीख मांगने की सूचना देने, मानव के घायल होने या फिर किसी अन्य तरह की सहायता दी जा सकती है। डेवलप करिए, इसके अंदर सिंपली वो आदमी जो भी होगा उसकी फोटो लेगा, उसकी लोकेशन आ जाएगी और वो कंसर्न NGO तक वो अपने आप उस ऐप के माध्यम से जाएगी और NGO जो उसके ऊपर जो एक्शन लेना होगा वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेके और उसको टाइमली हेल्प देने की कोशिश करेगा। आज ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है, हेल्प द नीडी, जो हमारे NIC DIO साहब की टीम ने डेवलप किया है। नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी कोई इमरजेंसी राइज होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा व्यक्ति शेल्टर होम वगैरह की ज़रूरत हो, वो टाइमली उसको अप्रोच नहीं किया जा सकता, तो हेल्प द नीडी ऐसी इसमें कोई भी जनमानस फोटो खींच के अपलोड करके इसको प्रोसेस में ला सकता है ताकि टाइमली उसको सहायता मिल सके। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इस ऐप से बड़े सहायता मिलने वाली है। जी सर, हेल्प द नीडी मीन्स के जो एक हमारे भी टाइमली जब भी हम कहीं से गुजरे होते हैं तो बहुत बार अमूमन प्राय हर डेली हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भाई हमारे को लगता है कि इस आदमी के कंसर्न की भी हम हेल्प करनी चाहिए। कोई जैसे शेल्टर होम की किसी को जरूरत है, कोई बच्चा, कोई जानवर कहीं पे घायल अवस्था में पड़ा है, तो उन सारी चीजों के लिए जहां जहां भी किसी को किसी ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।